मुन्ना पंडित चाबी नहीं लेने आए क्या? नहीं वो चाबी नीचे गिर गई तो उठा कर रख रहे थे ऊपर। लेकिन ये यहाँ राकेश जी को चाबी देनी है, मेरा मतलब किताब देनी। नहीं मेरा मतलब पंडित वो चाबी उठा कर रख, स्कूल की लाइब्रेरी की चाबी हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है ना? ये लो ये लो। पापा चाबी यहाँ थोड़ी ना रखते हैं, वो तो वहाँ ऊपर रखते हैं। नीना एक कप चाय दे। नहीं एक गिलास पानी बस। हाँ हाँ मिलेगा ना, पानी के साथ प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन अकेले मत खाना हाँ, समीर को भी खिलाना, उसको बोलना कि मैं उसको बोलना कि बस प्रसाद है। ठीक है मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ बोलो कौन कौन सी किताबें हैं, बोल कहाँ गए दोनों बदमाश कहीं के। नैना क्या कर रही है तू यहाँ पे, ला पानी पिला। बदमाश कहीं के किताब देने आए। साल भी नहीं लेके गए। इतना उदास क्यों है, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या ये किस्मत की चाबी? हाँ अब तू चाहे तो कल के एग्जाम में पूरे पूरे नंबर ला सकता है। मुझे नहीं पर तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है, एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। लेकिन ये याद रखना हम रुक तो रहे हैं, अब तुम्हें हेड बॉय जरूर बनना है। दही शुगर लाई हूँ गुड लक के लिए, खा लो। ये तुम अपने भाई अर्जुन को खिलाओगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इस हाल में भी मैं तुम्हारी वजह से हूँ। कितने चेहरे हैं तुम्हारे यहाँ, पापा के सामने अलग और मेरे सामने कुछ और। और हाँ ये दही शक्कर खिला के अपने पापा को ये मत कहना कि मैंने लंच बॉक्स चुरा लिया। नैना यार तू जब देखो तब बुक खोल कर क्यों बैठ जाती है, तेरी वजह से घर वालों को लगता है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती। कभी कभी अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे और थोड़ा ध्यान अपने चेहरे पे भी दे। पागल है अभी तो पूरे 4 चैप्टर बाकी हैं। पता नहीं उस बेचारे का क्या हो रहा होगा। किस बेचारे का? मेरे बेचारे दिमाग का। नैना पापा कहाँ गए? अर्जुन भैया नैना जी अपना दिमाग दौड़ा रही है। इतना दिमाग क्यों दौड़ा रही है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ वो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए। ये तू फिकर मत कर, ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कैसे पता? अरे वो क्या है ना, ये सेम क्वेश्चन पिछले साल मेरे फाइनल्स में आया था
और इतनी जल्दी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। क्या? Yes, 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 yes! तुझे क्या हुआ? यार देख, एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं और अर्जुन भैया कह रहे हैं कि ये इतने जल्दी एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, तो मुझे वो 20 आंसर पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। वाह, क्या लॉजिक था। वो वैसे ही नहीं पढ़ती और नहीं पढ़ेगी। यार तू ना किताब छोड़, मम्मी ने कुल्फी बनाई है। वैसे दूध थोड़ा जल गया था, मम्मी की कुकिंग तुझे पता ही है, पर फिर भी कुल्फी तो कुल्फी होती है, तो चल चलो। आजकल जब लोगों का ब्रेकअप होता है तो वो दिल के दर्द से निपटने के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स भर के हजम कर जाते हैं। कहते हैं ये मूड एनहांसर्स होते हैं। और एक मैं थी जिसकी भूख और प्यास दोनों इश्क के चक्कर में छुट्टी मनाने निकली थी। देखो वो आ गया एग्जाम का दिन। पेट में तित्तियां उड़ना, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी आना, मैं बुखार के लक्षण नहीं गिना रही, ये एग्जाम जिटर्स हैं, जो तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। एग्जाम का डर तो सबको था, पर समीर के लिए और मेरे लिए आज का एग्जाम कुछ ज्यादा खास था। आज की इस एग्जाम से हेड बॉय बनने का फैसला जो होना था, मैं हमेशा अपनी एग्जाम्स में फर्स्ट आती जरूर थी, पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे भी कुछ अपने लकी चांस थे, जैसे मेरा लकी पेन, जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि मैं उससे सिर्फ एग्जाम्स लिखती थी कि कहीं इंक ना खत्म हो जाए। पर इस बार समीर को लक देने के लिए मैंने अपना पेन उसकी डेस्क पर रख दिया। समीर के पास मैं चाहे ना बैठ सकूं, मेरा लक तो उसके साथ हो ही सकता है। की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था, ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे, रहीमन रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था, पेपर देखकर पहला ख्याल ये नहीं आया कि मुझे क्या आता है, ये आया कि समीर को क्या आता है। मैंने जो पढ़ाया था, जैसे जैसे समीर लिख रहा था मुझे खुशी हो रही थी। आजकल एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए बच्चे बहाने से स्मार्टफोन साथ ले जाते हैं कि सर घर में कोई बीमार है, घर से फोन आएगा और फिर बाथरूम में जाके जवाब गूगल कर लेते हैं। पर हम तो टेक्नोलॉजिकली कुछ ज्यादा ही एडवांस थे।
दिमाग खराब मत कर, एक तो चिट पकड़ी के ऊपर से फुर कर रहा है तू। अबे तू बात कर रहा है, गया था पंडित बनने, पूरे अहमदाबाद से पर्चियां निकाल रहा था। तो तूने कौन से झंडे गाड़ दिए पंडित? पंडित तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई, ये तो हो गया पास। समीर तू बता तेरा एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा, सारे सवालों के जवाब लिख के आया हूँ मैं। देख भाई जवाब लिखने से नंबर नहीं मिलते, सही जवाब लिखने से नंबर मिलते समीर। ओ हेलो, ये पहली बार एग्जाम नहीं दिया मैंने। एग्जाम के रिजल्ट आने वाले थे 2 दिन में, बात समीर के जीतने और हारने की थी, इसलिए पहली बार मुझ जैसे टॉपर के लिए भी ये इंतजार बहुत भारी होने वाला था। ये सुनिए, मिर्जा गालिब के बेटे का नाम वली मियां शेख पीर। वली मियां शेख पीर? विलियम शेक्सपियर। भैया पर आपके स्टूडेंट्स हैं, मैं ट्यूशन देना शुरू कर दो तुम तो। और सिर्फ मैं ही नहीं, पापा, अर्जुन भैया, समीर सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। पापा, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, आप टेंशन मत लो। सारी टेंशन के बीच जहाँ एक तरफ मैं समीर के हेड बॉय बनने को लेकर सपने देख रही थी, वहाँ दूसरी ओर समीर का अपना अलग तरीका था इस चिंता से डील करने का। समीर बहुत खुश लग रहा है, लगता है इसका एग्जाम अच्छा गया। अगर अच्छा खेलेगा तो जीत भी जाएगा। कोशिश पूरी करूंगा। मैंने तो 2 कांग्रेचुलेशंस वाले कार्ड्स भी बना लिए थे, अर्जुन भैया और समीर दोनों के लिए। भैया आप? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भौतिकी की किताब चाहिए थी, कुछ पॉइंट्स क्लियर करने थे। अर्जुन भैया ने तो दोनों कार्ड्स देख भी लिए थे और पूछने लगे। वैसे भी तेरा ये सरप्राइज मुझ पे कोई काम नहीं करेगा, मुझे पता है तूने मेरे लिए बनाए और वो भी 2-2। पर पहले हेड बॉय तो बन जाने थे। बंदरिया, सीधी पकड़। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पढ़ाकू बहन किसी और के लिए भी कार्ड बना सकती है। समीर वहां इंतजार में बदहाल था और यहां मैं वही कर रही थी जो मैं इतने दिनों से करती आई थी, समीर को फोन पर इंस्पिरेशनल गाना सुनाना। Thank you.
इंतजार खत्म हुआ और आखिर वो दिन आ गया। समीर के पेरेंट्स भी वहाँ ट्रस्टी यानी समीर के नाना जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसी दिन मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ समीर की मम्मी से, यानी जिन्हें मैं अपनी होने वाली सासू माँ समझ बैठी थी। थैंक यू बेटा। फलक तुझे जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान रखी है वहीं आशियाना बनाने की। बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो प्यारे बच्चों जो खेल में टॉप हो जाए और पढ़ाई में टॉप हो जाए वही बनता है विद्यालय का हेड बॉय। इस बार हेड बॉय के चुनाव के पहले राउंड में अर्जुन अग्रवाल आगे निकल गए, लेकिन समीर माहेश्वरी भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं पढ़ाई में कौन हुआ आगे और कौन बनता है हेड बॉय। प्रिंसिपल सर को लंबी लंबी अनाउंसमेंट्स का बड़ा शौक था और सबको खूब तड़पाने के बाद फाइनली उन्होंने रिजल्ट बताना शुरू किया। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट सुनाता हूँ। अर्जुन अग्रवाल ने अपने डिवीजन में टॉप किया है, उसे मिलते हैं 100 में से 84 अंक। ये जर्सी क्या होता है? चर्सी नहीं, 84 मतलब? अरे गुरु 84। अर्जुन भैया के मार्क्स सुनकर समीर का तो पता नहीं पर मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था, क्योंकि मैं जानती थी समीर के लिए 85 नंबर लाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से कम नहीं था। एवरेस्ट तो छोड़ो, उसने तो वैष्णो देवी तक की चढ़ाई भी नहीं की थी। और समीर महेश्वरी को मिलते हैं 100 में से पूरे 50। 50? इसलिए प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कॉम्पिटिशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की। इस बार फिर से अर्जुन अग्रवाल बनते हैं स्कूल के हेड बॉय। नैना ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे और रोज बोलना। वो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने डिसाइड किया है इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय और तुम? इम्पॉसिबल। समीर की वो मदद भी की, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज सिंपल करके बनाए मैंने रात भर बैठकर। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। मुझे नहीं पर तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है, एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। तो हो नहीं पाते हो और अर्जुन जैसे टॉपर से कंपीट करके हेड बॉय बनना चाहते हो, नामुमकिन है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा विनिंग सिक्स देख कर ही जाऊंगी। मुझे समीर की हार पर बुरा लग रहा था, गिल्टी भी फील हो रहा था कि शायद मैं उसे थोड़ा और पढ़ा पाती तो ऐसा नहीं होता। पर मैं ये कहाँ जानती थी कि
कई बार कुआं जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। समीर का हेडबॉय ना बनने से उसे बुरा लगा होगा ये जानती थी, पर इस हार से आगे जो तूफान आने वाला था उससे मैं अनजान थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।